अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करते हैं शहर की और कोशिश करते हैं कि इस शहर के अंदर होने वाले वो मामलात उसको इस सेगमेंट का हिस्सा बनाएं। एक अहम मामला ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बहुत सारे ऐसे मैदान मौजूद हैं जिन पर कब्ज़ा हो चुका है और शहरीों को बिलखसूस जब वो बाहर निकलते हैं किसी भी ऐसी सरगर्मी के अंदर कि जिसके अंदर उनको मौका जो है वो मिल सके खेलों तफरी का, तो उनको वो दस्तियाब नहीं होता। मगर अब बल्दे उज़्मा कराची ने जो है वो डंडा उठाया है, बेड़ा उठाया है, उन तमाम मैदानों को कब्ज़ा जो छुड़वाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और इन एक्शन दिखाई देती है। इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे, ये कब्ज़े कैसे हो जाते हैं, कौन लोग होते हैं जो खेलों के मैदानों के ऊपर कब्ज़े कर लेते हैं और उसके बाद एक आम आदमी भी शदीद परेशान दिखाई देता है इस मामले को लेकर, जो है आज हम बात कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर रज़ा अब्बास रिजवी साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे इस शहर के अंदर आबादी बहुत ज़्यादा है और कितने बल्दिया उज़्मा कराची के पास जो ग्राउंड्स हैं वो मौजूद हैं और उसमें से हम ये भी जानना चाहेंगे कि कितने हैं जिन पर अब तक जो है वो कब्ज़ा छुड़ाया नहीं जा सका। देखें जी, तकरीबन 65 ग्राउंड हैं हमारे नज़र में जो हमने इनको फोकस किया है, उन पर भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें से 11 ग्राउंडों पे अब तक हम वाह गुजार कराने में कामयाब हुए और अब मुख्तलिफ किस्म के लोगों के उन पर कब्जे थे, लोगों की कंप्लेंट थी, आपको पता है शादी ब्याह की तकरीबात हो रही थी ग्राउंड में। नहीं, एक बड़ा मसला है रजा साहब, लोग सैरो तफरी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं कि जनाब निकले, कुछ वक्त गुजार सके, कुछ बेहतर वक्त, कोई खेल की सरगर्मियां हुआ करती थी माजी में। हमें अच्छी तरह याद है कि लोग बताते हैं कि जनाब अब तो मैदानों के अंदर जो है वो कब्जों का जो मसला है वो संगीन नौयत का है, इलाकों के अंदर कब्जा जमा लिया है। इसके पीछे कौन से लोग होते हैं, माफियाज तक पहुँच सके हैं हम? देखिए, मसला ये है कि बहुत सारे लोग हैं, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है। अगर किसी एक फैक्टर की तरफ हम गए तो ये नहीं है, इसमें बाकायदा महल्ला कमेटियां भी इन्वॉल्व हैं, बाहर से आए हुए लोग भी इन्वॉल्व हैं, मुख्तलिफ किस्म के अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, शादी ब्याह की तकरीबात कर रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती यह है कि यूसी और लेवल पे जो लोग हैं वो बहुत मामूली चालान देके उन्हें इन सब चीज़ों की परमिशन दे देते हैं कि वहाँ आप शादियाँ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड बर्बाद हो रहे हैं। आपको पता है हमारे बच्चे जो हैं डिजिटल मीडिया की तरफ जा चुके हैं, मोबाइल फोन से बाहर नहीं निकल रहे। बिल्कुल, एक बड़ा हमारी जिम्मेदारी है कि उनको निकाल के ग्राउंड की तरफ लेके जाएं, तो उसके लिए ग्राउंड बने होने बहुत जरूरी हैं। पिछले बड़ा पीरियड ऐसा गुजरा जिसमें हमने ग्राउंड की तरफ तवज्जो नहीं दी, जो ग्राउंड बने भी वो भी मेंटेन ना होने की वजह से बर्बाद हुए, जिसका फायदा लोगों ने उठाया और उस पर कब्जे किए। बहरहाल मुर्तवाब साहब की सख्त डायरेक्टर्स हैं, बहुत क्लियर डायरेक्टर्स हैं कि इन ग्राउंड को दोबारा बहाल किया जाए, उनके कब्जों से वागुजार कराया जाए, उनको मेंटेन किया जाए, उन पर कीमती के बोर्ड आवेजा किए जाएं और उनको मुख्तलिफ एनजीओ और जो क्लब्स हैं उनको अलॉट किया जाए ताकि वो बाकायदा खेलने की जगह बन सके। अच्छा रजा साहब, हम ये भी देखते हैं, ये भी देखते हैं कि अक्सर हम केडीए के ऑफिसर से बात करते हैं, उनके डीजी से बात करते हैं, तो वो एक मसले का इजहार करते दिखाई देते हैं कि मेंटेन करने का जो है वो बड़ा मसला रहता है और वो भी इस स्ट्रेटजी को यूज़फुल बनाने के लिए कि जनाब कम्युनिटी को इंगेज किया जाए। इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि अखराजात नहीं है बल्दिया उज़्मा कराची के पास, या क्या मसला है कि मेंटेनेंस जो है वो एक बड़ा चैलेंज बन जाती है? जी बिल्कुल, ऐसा ही है, क्योंकि चीज़ें बन जाना और मेंटेन करना दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से चीज़ों को बना तो दिया जाता है लेकिन उसकी मेंटेनेंस के पैसे नहीं होते। पिछले दिनों भी आप देख रहे थे सूरत हाल बल्दिया उज़्मा कराची फाइनेंशियल, पेंशनर्स के मसले हों या दीगर मसले हों, बड़े हम मुश्किल हालात में थे उस जमान। इस हवाले से जाहिर है मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, उनके CSR बजट होते हैं, BOT बेसिस पे, रेंटल बेसिस पे चीजें दी जाती हैं और ये रिवाज पूरी दुनिया में राज है कि उन कंपनीज को इन्वॉल्व किया जाता है, इंगेज किया जाता है और फिर इस तरह के ग्राउंड को मेंटेन किया जाता है। रुकावटें क्या आ रही हैं जिन्होंने कब्जा किया है उस पर पुलिस की मदद लेने की जरूरत पेश आ रही है या, और क्योंकि ये माफिया, ये छोटा मोटा माफिया तो नहीं होता ना, उनसे आप एक बनी बनाई एक सिलसिला जो है उसे छीनने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो के वो आदमी है, बिल्कुल ऐसे फिर भी एक मसला तो होता है। बिल्कुल जी, सख्त रुकावटों का हमें सामना होता है। जाहिर है सूरत हाल जिसके पास ग्राउंड होते हैं उनकी एक मंथली आमदनी उससे वाबस्ता होती है,
जब उनके हार्ट से वो चीजें जारी होती हैं तो वो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, और उसके लिए वो कानूनी और वो नकाज के फायदे उठाते हैं जो बदकिस्मती से जाहिर है जो हमारी टीएमसीज और यूसीज लेवल के लोग हैं वो उन्हें छोटे मोटे चालान दे दिया करते थे जिसकी बुनियाद पे, जबकि ग्राउंड। मगर रजा साहब एक सवाल तो पैदा होता है ना रजा साहब के, देखें बात यह है कि ये डोमेन आपकी है, मसला यह है कि अक्सर बेशतर ये डिबेट का हिस्सा क्यों बन जाता है कि एक चीज़ अगर केएमसी की डोमेन में आ रही है तो फिर वो कैसे कोई यूथी या दीगर कोई कंसर्न और इदारा उसको चालान कैसे दे सकता है, इसके ऊपर कानून साजी में कहीं कमी रह गई है, क्या मामला है इसके ऊपर भी हम चाहेंगे। कानून बड़े वाजे मौजूद हैं, मसला ये है कि उन कवानीन से वाकफियत के मसाइल हैं, कवानीन जरूर मौजूद हैं लेकिन उन कवानीन से वाकफियत ना होने की बुनियाद पर ये तमाम मसाइल खड़े होते हैं जो जाहिर है हमारे लिए भी एक तकलीफ दे अमर होते हैं। तो बाज़ाहिर तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि उन लोगों से रिक्वेस्ट करें तो बजाय इसके कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें पढ़ें वो हमसे इस पर जरा करते हैं, लेकिन बहरहाल अब हम चीजें ठीक है हमने। अच्छा रजा साहब मैं ये जानना चाहूंगा, रजा साहब मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि जो मैदान अभी आपने छुड़वाए हैं उन पर कब्जा कितने अरसे से था? देखें किसी ग्राउंड पे 5 साल से था, किसी ग्राउंड पे 10 साल से था, मुख्तलिफ अदवार में इन ग्राउंड पे कब्जे हुए ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई खास कोई वक्त हो जिसकी बुनियाद पे, कुछ ग्राउंड पे हमारी भी ना तवज्जो की बुनियाद पे ये सारे मामलात हुए कि हमने उस चीज को उस तरह टेकअप नहीं किया, उस तरह तवज्जो नहीं दी जिसकी वजह से ये सारी सूरत आलम है आज हमारे सामने खड़े। रजा साहब अच्छा एक बड़ा मामला ये है कि उसके अंदर एक्टिविटीज़, मतलब हम ये देखते हैं कि जिस तरह आप कम्युनिटी को इंगेज करने की बात कर रहे हैं वो कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है, और साथ साथ के जो मैदान हैं ग्राउंड्स हैं वो सेफ मजीद रह सके, क्योंकि जिसके पास जमी जमाई आपने जो सूरत हाल है जिसका आप इजहार भी कर रहे हैं कि जनाब उनसे छीन ले गई है तो वो भी दोबारा कोशिश करेंगे उसको लेने के लिए। देखिए उसका एक तरीक़ाकार है बाकायदा, देखिए तीन मेयर साहब ने तीन बड़ी क्लियर डायरेक्टिव दी है हमें ना कि देखिए एक तो उसके ऊपर बोर्ड आवेदा करते जिससे ये साबित हो जाए कि ये प्रॉपर्टी केएमसी की मिल्कियत है, दूसरा जिस क्लब को या एसोसिएशन को या एनजीओ को आप दे रहे हैं उनको कुछ स्टैंडर्ड दे दिए जाएं कि जी एटलीस्ट इस स्टैंडर्ड पर किसे मेंटेन किया जाएगा, और तीसरा वो केएमसी के एक रेवेन्यू का हिस्सा बनेगा, तो कंपनी आई हुई है और वो इंटरेस्टेड भी है उन ग्राउंड में उसे मेंटेन भी करना चाहती है। देखिए आजकल आपने देखा होगा फुटबॉल इंडोर क्रिकेट और बहुत एक्टिविटीज चल रही है मगर वो प्राइवेट चल रही है, उसके पैसे लिए जा रहे हैं और वो प्राइवेट प्लॉट्स पे भी हो रहे हैं ग्राउंड पे भी हो रहे हैं इस किस्म की एक्टिविटीज, क्योंकि काफी ज्यादा आमदनी का सबब होती है तो उन्होंने पुराने ग्राउंडों पे कब्जे किए हैं वहां नेट्स बना दिए हैं और घंटों के हिसाब से उनसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो यकीनन जब हम जाते हैं और उसे वादोदार करने की कोशिश करते हैं तो हमें सब वहां से मजामत का सामना होता है, जाहिर है उसके लिए फिर मेयर साहब ने हमें पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद के लिए दी हुई है, हम हमारी अपनी एक टीम है बाकायदा जो इसको विजिलेंस करती है, जो उस किस्म की टास्क फोर्स बनाई हमने जो उस पर काम कर रही है, तो हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की भी मदद दरकार होगी। रजत साहब मुझे इलाके बता सकते हैं जाके रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए किन किन जगहों से कौन कौन से इलाकों में ये ग्राम से? वैसे तो ऑलमोस्ट पूरा कराची है लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, साउथ के डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके हैं, मलीर के एरियाज हैं, लांडी मलीर के एरियाज हैं, इसके अलावा कोरंगी एरिया है, औरंगी टाउन है, बल्दिया टाउन है, नाजमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बीडियो, तमाम इलाकों में ये तमाम चीजें मौजूद हैं। रजा साहब देखिए ना आप बता रहे हैं आप क्योंकि किस कंसर्न शोबे से वाबस्ता हैं, डायरेक्टर हैं उसके, सरकारी आदमी हैं, इसलिए मुझे ये खुशी भी हो रही है कि मुर्तजा बाब साहब मेयर कराची के ऊपर संजीदा है कि इतने अरसे के बाद यकीनी तौर पे एक्शंस लेने की बात हुई, क्योंकि माफिया इतना स्ट्रांग होता है, बताया जाता है, इतलात आती हैं, जराए आते हैं कि जनाब बड़े बड़े फोन आते हैं, आपको कोई फोन वोन आया है? जी हमें फोन भी आते हैं, बड़े बड़े लोगों के फोन भी आते हैं, बल्कि थ्रेड्स भी आते हैं। थ्रेड्स? इसमें थ्रेड्स का क्या मामला है रजा साहब? बिल्कुल थ्रेड्स आती हैं हमें कि जी आप ये जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं और आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे और आप किस एरिया में आएंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, तो ये जी इन सब चीजों के हम आती हैं, हम 23 साल 25 साल की सर्विस कर चुके हैं और इन सब जो मामलात हैं उनसे निमटना भी जानते हैं और हम नबर आजमा रहते हैं। अच्छा अब मजीद जिसकी आप बात करेंगे जी, हमने 65 के करीब 65 जो ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं वो कब तक प्रॉपर तरीके से कब्जे
से छुड़वा लिए जाएंगे, हम ये भी जानना चाहेंगे, और उसके बाद उधर एक्टिविटीज किस तरह की होंगी और शहरियों को क्या फैसिलिटेट किया जाएगा, जरा इस पे भी बात कर लें। देखिए मसला ये कि जिस भी हम मैंने बताया ना एनजीओस को दिए जाता है बाकायदा, उनको प्रॉपर हम सबसे पहले उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें तमाम हमारी तकरीबन 15 शिकें हैं मौजूद, उस शिकों में हम तमाम चीजें मेंशन करते हैं कि उन्हें किन किन चीजों का ख्याल रखना होगा, किस स्टैंडर्ड्स को उसको फॉलो करना होगा, उससे जनरल पब्लिक को कोई मुतासर नहीं करेगा, बल्कि वीक में दो दिन आपको जाहिर है क्योंकि जाहिर जब वो ग्राउंड बनाएंगे उस पर अपने लाखों रुपए सर्व करेंगे, तो हमने कहा कि क्लब क्रिकेट कराची की क्योंकि बहुत खराब हो चुकी है तो दो दिन उन्होंने क्लब क्रिकेट को भी देने जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, और उससे जो होने वाली आमदनी होगी उसका इतना परसेंट जो है वो ग्राउंड के ऊपर सर्व करेंगे, जिसकी बुनियाद पर ग्राउंड उस लेवल का मेंटेन हो सके जो जाहिर है एक बेहतर ग्राउंड की होनी चाहिए सूरत हाल, तो बाकायदा 15 उसके ऊपर शिखर भी हमने लगाई है। तो अगर अगले प्रोग्राम में कभी हमारे आपको मौका मिला और हम स्टूडियो में हुए तो मैं वो तमाम कागजात साथ लेके आऊंगा और एक एक शिख पढ़ के सुनाऊंगा। जाहिर है कराची क्लब क्रिकेट आपको पता है इस वक्त बहुत जबूहाली का शिकार है। सर यहाँ पे तो मसला ये है ना रजा साहब के शहरी निकल रहे हैं कि जनाब बच्चों को कहाँ घुमाए लेके, कहाँ खेल कूद के मैदान, मतलब बच्चे ही नहीं ना, मतलब ये एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। देखिए इसमें दोनों तरफ से गलतियां हैं, जाहिर है एक तो जाहिर है उन ग्राउंडों की मेंटेनेंस नहीं हुई और दूसरा आपको पता है चीजें तब्दील हो रही हैं, मिजाज तब्दील हो रहे हैं। हमारा अदवार थे तो उसमें हमारे माँ बाप हमें इस बात पे डांटा करते थे और सरजनिश करते थे कि हम पूरा पूरा दिन खेल के आते थे, अब बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश करो तो वो कंप्यूटर से लैपटॉप से और मोबाइल से बाहर आने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपने मोबाइल्स में ज्यादा कंफर्टेबल जोन में होते हैं, और अब लोग चाहते हैं फिजिकल एक्टिविटी करें पेरेंट्स उनकी, तो वो बच्चे उसके लिए राजी नहीं है, लेकिन उसके लिए एक अच्छा माहौल जब तक नहीं देंगे तो बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे। तो बहरहाल हमारी जिम्मेदारी और हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी को एंगेज कर रही है। बस आखिरी सवाल मुझे बता दीजिएगा रजा साहब की ये ऑपरेशन कब तक मुकम्मल हो जाएगा, ये 65 के 65 जो सालों से मैदानों पर कब्जे थे उनको कब कब्जे में लेके बैठे रहे। तो हम पहले ये करते हैं हम उस कम्युनिटी को उस क्लब को एंगेज करते हैं और हमें उसके हैंडओवर भी करना हो, क्योंकि आज हम खाली करा देंगे कल फिर कब्जे हो जाएंगे, ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके लिए हमें कंपनी रास्ते में होते तो एक वक्त लगता है। हम दुआ गो हैं रजा साहब कि आप इस मकसद में कामयाब हो, मुर्तजा साहब मेयर कराची साहब जो हैं जो कोशिश कर रहे हैं वो इसमें कामयाब हो, और हम यकीनी तौर पर दूसरा प्रोग्राम जरूर करेंगे जब आप कब्जा छुड़वा लेंगे और हम बताएंगे जनाब अब हमें ये बताएं कि अब जो है वो क्या सूरत आई। बहुत शुक्रिया रजा साहब टाइम देने के लिए, बताने के लिए कि नाजरीन मुर्तजा बाब साहब की जो एक्शन है उसको अमल दरामद कराने के लिए जो डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर उनसे हम बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरह जो है वो कब्जे हुए में हैं और 11 के करीब कब्जे चुड़ा लिए गए हैं पार्कों और मैदानों से, और अब जो है वो सिलसिला जारी है। ये एक्टिविटीज़ शहर में बनेंगी तो यकीनी तौर पे बहुत सारे जराइम और बहुत सारे मामलात के साथ छुटकारा मिल सकेगा, और जिसके ऊपर जो है वो तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, और अच्छी बात यह है कि अब उस पर तवज्जो दी जा रही है। नाजरीन प्रोग्राम में हम एक और स्टोरी जो है वो बहुत ही तकलीफ़ देह है उसको भी बताएंगे, मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं फिर हाजिर होते हैं।